सेंटर सर सेंटर से ज्यादा मिलने से नहीं है थैंक यू नंबर सर Guys, 3 cheers for Mangali ke liye hip hip. Hooray! 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 Thank you. 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 मैं जब ट्रेलर देखा एंड उसके बाद लोगों का जब रिस्पॉन्स देखता हूँ मैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है. काफ़ी सारे डायलॉग फेमस भी हो चुके हैं. स्पेशली आपका जो लास्ट वाला डायलॉग है वो काफ़ी फेमस हो रहा है. हाँ, इतना भी कम नहीं कमा क्या. नेटफ्लिक्स का एक जो इमेज थी ना उसकी एकदम वही था. और नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है पूरे भारत के लिए, खासकर वो हिंदी हार्टलैंड के लिए. और कोर्ट रूम में और वकील कॉमेडी सटायर ह्यूमर करेंगे और इमोशनल एंगल्स और ऐसा कास्ट, इतने सुंदर कलाकारों का असेंबल होगा. ये नेटफ्लिक्स ने किया और सबको प्रोमोज में ट्रेलर में रखा. तो ये बहुत अच्छी प्रथा शुरू की. हम लोग सारे को अंडरडॉग्स में गिना जाता रहा, तो ऐसे कलाकारों को एक फ्रंट बेंच मिल रही है. ये एक बहुत सुंदर प्रयास है और सब लोग अपना अपना काम दिखाने का सबको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे 194 कंट्री में नेटफ्लिक्स देखा जाता है. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो हम लोग कोशंपा फिल्म को दिल से धन्यवाद, नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल को दिल से धन्यवाद. राहुल पांडे जी को उसका श्रेय काफ़ी मैं दूंगा. इवन द राइटर ऑल हमारे पास जीनियस लोग हैं. तो ये कुछ घरों की टीम है, सारे एक साथ सारे अघोरी मिले हैं और सारे अघोरियों ने एक अच्छी सी चीज़ कि कॉलेज के वकीलों के कैंपस में, उनके फॉयर में, उनके वैसे उनके बाथरूम में फाइट कैसे होती है, वो कॉरिडोर में क्या सोचते हैं, वो चाय कैसे पीते हैं, कैसे अपना वकालत के बाद अपनी कुर्सी लॉक करके जाते हैं कि फॉयर से कोई चोरी नहीं हो जाए. वो छोटी छोटी चीज़ें वकीलों की ज़िंदगी को इतना इंटरटेन बनाती है. वो सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, सपने भी हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली के इमोशन, शायर भी हैं. सो एक सवाल रहेगा, सबसे खास बात क्या लगी इस प्रोजेक्ट की, जिस तरह आपने जिक्र किया कि नेटफ्लिक्स ने कुछ अलग बनाया है. मैं जब से नेटफ्लिक्स देखता हूँ एक डिफरेंट प्रोजेक्ट रहता है, ये कुछ अलग है. एक अच्छा है कि नेटफ्लिक्स में एक प्रयास किया कि ये इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है. हर आदमी के घर के कोई ना कोई केसेस पूरे देश में 140 करोड़, कहीं ना कहीं ज़मीन इससे उससे कोर्ट से वकालत से पाला पड़ता ही पड़ता है, कहीं एडवाइस ही लेते हैं आप. तो ये मैंने महसूस भी किया और जो आप लोग भी जानते थे कि इनका कोट काला है बट इनके दिल काले नहीं है. सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज. एंड जितने मेरे लॉयर फ्रेंड्स हैं, जज फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग बड़ा खुश हैं कि यार फाइनली हम लोगों को लेके कोई नहीं तो तारीख पे तारीख और एक अलग से एक डरावना सा क्रिएशन जो था उसमें कि इनसे आपसे वकीलों से जजेस से इस दुनिया से भी आपको मोहब्बत हो जाएगी. मैम आपके चेंबर की तो काफ़ी तारीफ होने वाली है लगता है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे आप. आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू सी
this show that we've created with so much of heart and so much of love. I think Ravi sir just encapsulated it on point. It's a courtroom comedy out and out. Har episode mein ek alag case aayega, mazedar case aayega. उस सबके बीच बीचों बीच हम अपने अतरंगी स्टाइल के साथ आएंगे और आप सबको बहुत हंसाने वाले हैं एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड आई कांट वेट. आनंद जी सबसे पहले 12th फेल की सक्सेस के लिए बहुत-बहुत बधाई आपकी. पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है एंड फिर से एक और नया प्रोजेक्ट. क्या कहना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी आपके किरदार के बारे में? मैंने कई बार देखा आप हमेशा अलग अलग अच्छा किरदार करते हैं, भास्कर कॉलिंग हो गया या फिर ये किरदार हो गया और 12th फेल का किरदार हो गया. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक विश्वास पांडे बहुत खास है, तो बहुत लवेबल और ऑनेस्ट किरदार है और ऑनेस्टी है हम सभी के किरदारों में. और ये वर्ल्ड बिल्डिंग ही जो है मामला लीगल है का बड़ा ही ऑनेस्टी के साथ किया गया. तो एक लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा है क्योंकि फैमिली के साथ बैठ के आप किसी भी वक्त इन्हों इसको देख सकते हैं, इन्हें बुला सकते हैं, हंस सकते हैं. तो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में इस तरह के कंटेंट की कमी है, तो ऐसा एक और शो आना वो मेरी खुश नसीबी है कि मैं उसका पार्ट हूं और उस तरह से ऑडियंस से जुड़ पाना एक हर कलाकार का एक्सपीरियंस. मैं कलाकार के बारे में सब तो बोल ही गया यार. रवि सर ने भी कहा कि जो लीगल वर्ल्ड ये हमने चूज किया है, यूजली हम जो कोर्ट रूम देखते हैं ना वो बहुत प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं तारीख पे तारीख के लिए, तो हम कोर्ट रूम से बाहर वकील चाय पीते हुए क्या बात करते हैं, थोड़ा सोच के बारे में डिवाइसेस कॉमेडी के साथ साथ. और कॉमेडी हम कह रहे हैं पर हम जानना चाहेंगे कि जो सटायर होता है, जो यंग होता है ना, थोड़ा थोड़ा वो यंग की तरफ भी है. सब ने बहुत बेहतरीन काम किया है और मेरी यही कोशिश नसीबी है कि हम सब साथ को साथ में नेटफ्लिक्स पोशन का पिक्चर साथ में लेकर आया और आप जो भी जादू हमने किया है वो आप बहुत खास. थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट के लिए. एक फोटो आप चारों का कर दीजिए. थोड़ा सा पीछे हो जाते रपट. सर यहाँ पे थैंक यू सो मच. वो जो इंटेंड नहीं कर रहे हैं कॉमेडी करने का और फिर भी बहुत मस्ती कर रहे हैं एक्टर्स और उसके साथ जो भी उनका वो मुझे बड़ा वो स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है. रवि जी के किरदार के बारे में उनके किरदार की चर्चा काफ़ी तो फैन हम चलते हैं तो ऐसा रियली लुकिंग फॉरवर्ड की वो इंडियन इन इट्स ह्यूमर, इंडियन इन इट्स जो एक फ्लेवर होता है, तो वो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि वो उन्होंने कैसे हैंडल किया. एंड बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स इन्वॉल्व है इन द शो, निधि, अनंत, अफकोर्स बोलू सो सैम, प्लस रवि सर. आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी आनंद के बारे में. आनंद इज डूइंग रियली वेल इन हिज करियर, 12th फेल नाउ ये प्रोजेक्ट. आप कुछ बताना चाहोगे दोस्त? जब अच्छा करते हैं तो अपने में ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब खुशी होती है. लाइक इवन टुडे व्हेन आई वाज कमिंग आई वाज जस्ट लाइक यू नो विश एंड आनंद मिस्टर आनंद यू नो बिकॉज़ आई वाज जस्ट लाइक बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आई थिंक आर वेरी गुड एक्टर्स एंड दोनों की स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. And so it's nice to see other people recognizing that talent, other people also enjoying that. So main bahut aise proud ho ke bolti jo koi bolta na ye bahut khel wala ya wo lucky nahi bhi and humne kya kaha bhai now they are remain by their name. Correct, correct. And I get very proud, like I'm like you know I know them, they're very close friends of mine. क्या वेट करना पड़ेगा फोमोस शॉर्ट सीजन 3 एनीथिंग कमिंग अप फ्रॉम योर साइड? तो अभी हाफ लव हाफ अरेंज सीजन बात चल रही है, मतलब दैट शुड स्टार्ट सून. वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू सी यू. यस सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.